किसी को सजा नहीं हुई। जब कोई एक हत्या होती है, हमारे परिवार में भी पुलिस अफसर सिख हैं, सिख पुलिस अफसर हैं, हमारे परिवार में, हमारी फैमिलियों में भी जुडिशियल ऑफिसर हैं, हमारे परिवारों में भी बड़े रैंकर हैं, फौज के अंदर हमारे परिवारों के भी लोग हैं। पर बड़ी हैरानी की बात है कि किसी भी हत्या के बाद पंचनामा होता है, FIR लिखी जाती है, ना FIR लिखी गई, ना पंचनामा बना, ना फोटो खींची गई, ना मरने वाले का पोस्टमार्टम हुआ। जैसे मारो गाड़ी में डालो, जंगलों में ले जाकर फूंक दो। और जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अपने घरों में बैठे रहे, दिल्ली हाई कोर्ट के जज अपने घरों में बैठे रहे, बाजारों में कत्लेआम का नजारा लेते रहे, 5 दिन नजारा लेते रहे। किसी जज ने अपने यहां अदालत नहीं लगाई, 100 मोटो एक्शन नहीं लिया, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह नहीं कहा, अब अपना ऑर्डर नहीं निकाला कि फौज जो है फौरन आए। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो फौज को फौरन बुलाया जा सकता था, आदेश दिए जा सकते थे, सरकार को आदेश देकर फौरन फौज को बुलाया जा सकता था कि निर्दोष लोगों की हत्याएं रोको। सुप्रीम कोर्ट के जज चाहते तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को और सभी बड़े अधिकारियों को बुलाकर कहा जा सकता था कि लाशों गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, ये हत्या रोको। किसी जज ने हत्या रोकने के आदेश नहीं दिए। अब प्रश्न यह आता है कि इस देश में जस्टिस मिलेगा या नहीं। चलो एक बात हम मानते हैं, हत्याएं करने वाले हत्या करके चले गए, लाशें किसने उठाई, लाशें कौन ले गया, लाशें कहां गई, जो लाशें थी उनके FIR किसने लिखे, उनका पंचनामा किसने बनाया, उसका पोस्टमार्टम कहां हुआ। ये सब राजनीति थी, निर्दोष लोग मारे गए, बेचारे मारे गए और जस्टिस नहीं मिला। हम आज प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, हम उनसे निवेदन करने जा रहे हैं कि जनाब आप विशेष अदालतें बनाएं, स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, आप लोगों को इंसाफ दें। आप देश के राजा हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मालिक हैं, आप कर सकते हैं। हम उनसे निवेदन करने जा रहे हैं और जाएं भी कहां, अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं। हमारा सिर्फ यह कहना है कि देश में भाईचारा बना रहे, हम सब मिलकर रहे, सबको इंसाफ मिले, सबको जस्टिस मिले, सब प्यार मोहब्बत से रहें। हमारा ये कहना है कि अगर जस्टिस नहीं मिलेगा, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, तो लोगों के मन के अंदर नफरत रहेगी, नफरत मिटेगी नहीं। नफरत को दूर करने का एकमात्र रास्ता है कि आप लोगों को जस्टिस दें, लोगों को न्याय दें, लोगों की बात सुने, लोगों के अंदर की बात सुने। ये मामला अब पूरी दुनिया में है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों का तक ये संदेश जाना चाहिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जस्टिस के लिए विशेष अदालतें बनाई हैं। आज हम निवेदन करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस साउथ ब्लॉक जाएंगे
वहाँ मेमोरेंडम देंगे। मुझे पुलिस ऑफिसर्स ने बताया है कि बहुत लोग नहीं जा सकते। हमने उनसे निवेदन किया था कि 11 लोगों का एक डेपुटेशन दाने दें, परंतु मुझे कहा गया कि आप 4 लोग चले जाएं, हम 4 बहुत मुश्किल से आपको लेके जाएंगे। हमने कहा ठीक है, हमारा कोई टकराव नहीं है, हम तो देश को बताने आए हैं कि लाशें गिरी, जस्टिस नहीं मिला। लाशें गिरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोली, लाशें गिरी और किसी ने जस्टिस नहीं दिया, सब चुप हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा जुल्म है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ आपके द्वारा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचेगी और हमें जस्टिस मिलेगा। इतने शब्द कहकर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब यहाँ से प्रोसीड करेंगे। मैं पुलिस ऑफिसर से कहता हूँ कि वो अपनी गाड़ियाँ रख लें और हमें ले जाएं। बोले सोना। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ? 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। 10-12 ਸਰਦਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੜੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਔਰ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, 16 ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 200, 400, 600, 800, 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਵੰਡੋ, ਲੰਗਰ ਖਾਓ, ਲੰਗਰ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਓ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਔਰ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਓ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਘਰ ਛੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕੱਲ੍ਹ 31 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, 1 ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, 2 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, 3 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, 4 ਨੂੰ ਫੌਜ ਆਈ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੌਜ ਆਈ। ਇਹ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ MLA ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ MP ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ 15-20-25 ਬੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ SIT ਬਣੀ ਸੀਗੀ, SIT ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ SIT ਕੋਈ ਸਭ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਔਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੜ ਗਏ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਸਟਿਸ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ BJP ਗਲਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ MP ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸਭ ਗਲਤ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਭ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅਜੇ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ। 30 ਸਾਲ, ਮੈਂ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, 37 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਝੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਹੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਵਾਬ? ਔਰ 1970 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1970 ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ CID IB ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 1970 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ 50,000, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? ਨਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ
उन्हां दी टीम जिहड़ा हुण चार जिहड़ा हैगा नूं जिहड़ा हैगा लोकां नूं जिहड़ा हैगा आग्या मिली है, परमिशन मिली है कि प्रधानमंत्री कार्यालय दे विच चिट्ठी देण जा सकदे है। और गुरुद्वारे दे बाहर तुसीं देख सकदे हो कि किस तरीके काफ़ी बैरीकेशन जिहड़ी हैगी है बैरीकेशन की गई हैगी है। और बैरीकेशन तों इलावा काफ़ी पुलिस इत्थे मौजूद हैगी है, दिल्ली पुलिस दे जवान मौजूद है, SSB मौजूद हैगी है, और काफ़ी यानी 50-60 तों वध जिहड़ा हैगा सिक्योरिटी दे अधिकारी जिहड़ा हैगा पुलिस दे अधिकारी इत्थे और पुलिस दे सैनिक जिहड़े इत्थे मौजूद ने। लगातार तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, कुछ होर भी जिहड़े लोग उन्हां दे नाल ने और वह भी जा रहे हैं। सो आपां कुछ जिहड़े जिहड़े 1984 तों जिहड़े पीड़ित जिहड़े कुछ लोग ने वह जिहड़े इत्थे आए ने, आपां उन्हां दे नाल भी असीं गलबात करन दी कोशिश करांगा जिहड़े कि नाल आए हैं। हाँ जी, आप जी नाल ही आए हो जी? ठीक है जी, की कहना चाहोगे जी अज 1 नवंबर दे बारे? सानूं इंसाफ चाहिए जी, 1984 कतलेआम होया जिहड़ा साडा सिखां दा, बच्चे मारे गए, भैणां बीबियां दा रेप किया गया, सानूं किसे सरकार तों तक इंसाफ नहीं मिलिया। असीं इंसाफ वास्ते आवाज़ चुकन आए हाँ और सानूं मोदी ते विश्वास है कि सानूं इंसाफ देगा। सानूं इंसाफ चाहिए, सानूं कुछ नहीं चाहिए, साढ़े कातलों नूं गिरफ्तार किया जाए और जल्दी जो जल्दी एक कमेटी बनाउण, उहदे विच CBI जाँच करवाउण और उहदे विच सानूं पता लगे कि साढ़े कातल कि साढ़े कोल हर पुलिस जिहड़े उस टाइम दे पुलिस अधिकारी सी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड है साढ़े कोल, जिहड़े जज उन्होंने रिकॉर्ड है साढ़े कोल सारा, साढ़े सरकारी किताब असीं छपाई है सरकारी कतलेआम गुरचरण सिंह बब्बर ने, असीं उन्होंने नाल संघर्ष 37 साल तो साढ़े कोल किताबां पईआं सारियां फोटोआं अच्छन आज 47 साल हो गए साढ़े बब्बर के नाल हर चौराहे हर कोने ते असीं मुजरा ई कीता सी उत्थे धरना दिते सी, मगर सानू हाले तक कोई इंसाफ नहीं मिलिया। सानू असी पीवन जुगीवा च रहते सी सुल्तानपुरी, उत्थे बड़ा कतलेआम हो सी, पुलिस वाले कढ़ कढ़ के वह बंदियां नू कढ़ के सरदारां नू ते उन्हां दे हवाले करदे सी जो मारन वाले सी। मैं बड़ी मुश्किल नाल बच के आया, मैं भी मोना बन गया सी तां मैं बचिया, जदों मैं नाले ते आया ते हजारों दे तादाद ते अपना लाशां पईआं सवेर दे टाइम दे सुल्तानपुरी दे विच। चौरासी भी 31 तारीख नूं मैं गड्डी चला के जदों गया सी मैं उत्थे तो बड़ी ज़्यादा तो लुटमार हो रही सी पहली तारीख नूं लुटमार हुई सी, मगर बंदे नहीं मारे, बंदे रात नूं मारे सी, पहली तारीख दे रात नूं मारे सी, 3 दिन मारे सी ते लाशां पईआं ढेरां हो गईआं। मैं जाणदे तो मेरा बंदा ये मेरा बंदा, मैं सारे नूं जाणदा सी ते उन्हां नूं पता नहीं सवेर दे टाइम ते 5 बजे 6 बजे दे टाइम ते लाशां गायब, पता नहीं कित्थे लै गए कित्थे नहीं, सानू कोई पता नहीं। बड़ी मुश्किल नाल मैं फिर विष्णु गार्डन चला गया, उत्ते बड़ी मुश्किल नाल मैंने उन्हों हिंदुआ ने बचाया, मुसलमानों ने बचाया मैनू उस टाइम दी, बाहरों दे हरियाणा दे UP दे उत्थे बाकी वो जो नाल सी साढ़े उन्होंने सानू बचाया, हर सरदार नू बचाया ते उत्थे दे लोकल पुलिस ते बाद चौथे दिन मिलिट्री आई है, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਿਜਿੰਦਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਕਹਿਰ ਕਾ ਹੈ, ਜਬ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿਰ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ तो उस एरिया में जितने भी आदमी हैं सब दे आर ऑल अफेक्टेड, सबको असर होना चाहिए। जब बड़ा पेड़ कहीं गिरेगा धरती हिलेगी तो उस धरती पर जितने भी रहने वाले हैं सबको नुकसान होना चाहिए। सरदारों को क्यों चुन के नुकसान किया गया? हमने ये सुना अगर गोद में बच्चा है तो उसका कपड़ा ऊपर करके देखा, लड़का है तो उसको भी जलती आग में डाला है, ये कहाँ का इंसाफ है? तकिया कलाम बनाया हम हिंदुस्तानियों ने, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने, कि जब बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। इंदिरा गांधी को इतना बड़ा पेड़ नहीं थी जो गिर गई, अगर धरती हिली है तो सारे अफेक्टेड होने चाहिए। फॉर दी एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कुछ इंसिडेंट हो जाए या भूकंप आ जाए तो जितने सारे खड़े सब मरेंगे ना, ये थोड़ी कि वो सेना में है वो नहीं मरेगा, मैं सिविलियन हूँ मैं मर जाऊँगा, ऐसा क्यों हुआ? इसकी जो जाँच पड़ताल कौन करेगा? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, कातलों को
फांसी दें, जो कातिल हैं सरदारों के उनको फांसी दी जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीरो मैं जड़ी गल हैगी हिंदी विच बोलना चाहता क्योंकि जिन्नी भी अपने देश विच पब्लिक ते अपने हिंदू भरा ने उन्हें तक एक गल पहुँचे। मैं कहता हूँ हम अपने देश पे इतना फ़र्क करते हैं कि भाई हम इंडिया में रहते हैं, विदेशों में जाके आज तक सिखों को इंसाफ देने के लिए कोई नहीं आया, जबकि सिख 84 के ऊपर सब ने अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक के अपनी अपनी सीटें बनाई, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अकाली हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने सबों ने आज तक इंसाफ नहीं दिया। आप ये देखो कि हम जैसे जनरेशन वाले लोग जो आज पैदा हुए हैं उन पे क्या मैसेज जाता है कि इस देश में जिस देश में हम रह रहे हैं हमें क्या इंसाफ मिला। कोई भी आप ये सोचे कि जिन्होंने कत्लेआम करा था वो पाकिस्तान या चाइना से नहीं आए थे, वो इसी देश के लोग थे और उन्होंने सिखों को एक एक कर चुन चुन के मारा। आज भी सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं हमसे एक भेदभाव है, मतलब इस देश के हम नागरिक नहीं है या इस देश के बाशिंदे नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पगड़ीधारी जहाँ केसधारी कोई आपको दिखता है, आप आज भी देखिए कि सिखों के साथ हो क्या रहा है, कहाँ 37 साल और आज वही 84 वाला सीन हो रहा है कि सिखों को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही हर चीज़ बोला जाता है। जब ये हम जैसे लोगों पे पहुँचती है, आज के यंग लोगों पे, तो कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति जो हमारी वफादारी है ना, हम ये सोचते हैं कि जिस देश के लिए हम देश को टैक्स वगैरह सब देते हैं फिर भी हम लोगों को टारगेट करा जाता है। आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, मेरे ही साथ के कुछ लोग जो मेरे बहुत प्रिय दोस्त थे वो आज ये जो एक टैग दे के चलते हैं हमें खालिस्तानी का, हमें ज़रूरत क्या है खालिस्तान की? हम खालिस्तान नहीं मांगते क्योंकि हमारा पूरा भारत ही हमारे गुरुद्वारे, हमारे सारा जितने ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं वो सारे इंडिया में हैं, ठीक है। आज हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कौन कहता है हम खालिस्तान की मांग करते हैं? हमारा कहना है सिंपल सा है कि हम बिल्कुल कहते हैं ना अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद कौम है, कभी हमने ये नहीं सोचा कि किसी का बुरा करें। आज बहुत से लोग सिखों को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि कोरोना में कितना महामारी आई तो कैसे उन लोगों ने आगे बढ़ के, मैं खुद अपना बताता हूँ, कोरोना दोनों कोरोना सीजन में मैंने एक दिन घर नहीं बैठा, लंगर की व्यवस्था करी और लंगर किसको खिलाया? जो मज़दूर लोग थे जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही थी, फिर भी आप उन सिखों को टारगेट करके एक टैग देते हो, चाहे शासन हो प्रशासन हो, कभी सिखों का साथ किसी ने नहीं दिया। आज आप जाके विधवा कॉलोनी चंदर तिलक विहार में देखते हो ना, वहाँ पर मेरे ही परिवार के लोगों में एक भी बहाना बिना मर्द के हुए हैं, जितने मतलब पूरे का पूरा परिवार ख़त्म कर दिया गया था। उनके हालात दिखाऊंगा, आज भी सुल्तानपुर में वो गुरुद्वारा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ एक निशान साहिब लगा हुआ है जिसे कोई देखने नहीं जाता, मतलब उस गुरुद्वारे के जो पाठी थे उस परिवार के पूरे सदस्य को ख़त्म कर दिया गया, जिसमें एक सिर्फ मेरे ताई जी बचे थे, वो भी क्यों? क्योंकि पड़ोसियों ने उन्हें बचा लिया था। तो मैं तो सोच के ये हैरान हूँ कि किस देश में रह रहा हूँ मैं, जिस देश में रह रहा हूँ उस देश के प्रति हम इतनी वफादारी दिखाते हैं। आप देखा ही होगा आप लोगों ने कोरोना में जब लाशें नहीं जल रही थी ना, लोग बाग अपने घरों के अपने परिवार वालों की लाशें नहीं जला रहे थे, उस टाइम में सिख आके बढ़ के आए। और मैं धन्यवाद करता हूँ अकाल चैनल वालों का, क्योंकि मैं गुरप्रीत पाजी को भी देख रहा था, ये भी हर उस थां पे थे कोरोना में, ये घर नहीं बैठे, तो सिखों को ही आप टारगेट क्यों करते हो? और इंसाफ की बात रही, इंसाफ की तो उम्मीद है नहीं, क्योंकि जिस देश में एक जानवर मरने पे सजाएं हो जाती हैं उसमें हजारों लाखों सिखों को मारा गया, आज तक पता नहीं चला कि वो कातिल कौन थे, बस दो चार कातिलों, मतलब लाखों सिखों को मारने वाले सिर्फ दो चार बंदे होते हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं सोचिए समझिए रणनीति के हिसाब से पूरा प्लान करके ये मारा गया था, हथियार उनको प्रबंध करवाए गए थे, उनके लिए सारी सुविधाएं, गाड़ियां भर भर के वो लोग आए थे, फिर भी हमारे को कहीं ना कहीं अपने आप पे इस चीज़ का गिला के आज जब इस जगह बुलाया गया 84 दंगों के यादगार में, तो मुश्किल से 10 सिख इकट्ठा हुए, 10-20 सिख,
तो कहीं ना कहीं हम सिखों को ये सोचना चाहिए, जब हम कोरोना में लंगर की व्यवस्था लगा सकते हैं, महामारियों में लगा सकते हैं, बाढ़ आने पे हम लोग लंगर लगाते हैं, हजारों की तादाद में पहुंच जाते हैं, तो आज हम यहाँ पे क्यों नहीं इंसाफ के लिए आए। रो रहे थे कि अगर हंजू साढ़े डैडी की याद आ गई, साढ़े डैडी भी इंदिरा कांड शहीद हुए सी, भी मेरे डैडी जी गांधी नगर पाठ कर रहे सी, हाँ जमुना पार, उत्थे मेरे डैडी जी फड़ के मार के शहीद कर दिता सी। अज दिवाली आ रही तो इन्ना मन भर रहा है भी दिवाली हुई दिन आ रही जिस दिन साढ़े डैडी जी शहीद हुए सी, बस असं बहुत छोटे जे से उदो, इन्नी सानू होश नहीं हैगी। नहीं साढ़े तो कोई इनकवायरी नहीं हुई, बाकी मम्मी इंदिरा कांड दे सी 2017 नू पूरे होए ने मम्मी मेरे, कदी इंसाफ तुहानू पता नहीं लगा कि नहीं मिले सानू अजे तक, बाकी वह भी हुण बुढ़े हो गए ने, जाके हुण सजा मिल रही है, जेल विच गए ने बुढ़ापे च, जवानी च जांदे हुण मारदे पता लगदा भी साढ़े इंसाफ मिले सानू। हाँ जी सज्जन।